नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल खाना खजाना भी सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजमा। यहाँ पर हमने ये पहाड़ का ऑर्गेनिक राजमा लिया हुआ है। आपके पास जो भी राजमा है आप उसको यूज कर सकते हैं। राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको ओवरनाइट सोक करके रखेंगे और यहाँ पर हमने राजमे को पहले से ही ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने 1.5 कप राजमा लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक हैंकी में तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और ये लौंग और ये स्टार अनियंस लिया हुआ है। इनको पोटली बनाकर हम इसमें डाल देंगे राजमे में। इससे हमारे राजमे में बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा और हम इसमें डालेंगे थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक और अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। हम यहाँ पर 7 से 8 सीटी लगा लेंगे राजमे में, उसके बाद चेक करेंगे। अगर ये अच्छी तरह से उबल जाएगा तो ठीक है, अगर कुछ कम रह जाता है तो आप इसमें और भी सीटी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारा राजमा उबलकर तैयार होगा जब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 स्मॉल साइज के ऑनियन। अगर आपका बड़ा ऑनियन है तो आप एक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 2 लार्ज साइज के टमाटो, ये 4 गार्लिक की कली और थोड़ा सा जिंजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जिंजर गार्लिक का एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसको कूट कर पेस्ट बनाना है जिससे हमारा स्वाद राजमे में और भी अच्छा आएगा। और यहाँ पर हम ऑनियन को बारीक चॉप कर लेंगे और टमाटो की प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। ये देखिए, राजमा हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। देखिए इस तरह से इतना उबला हुआ होना चाहिए क्योंकि हम आराम से ये प्रेस करें और ये अच्छे से फूट जाए। अगर थोड़ा सा टाइट रहेगा तो ये फिर टेस्ट अच्छा नहीं होगा। और इस पोटली को अब हम निकाल देते हैं क्योंकि जो हमें फ्लेवर चाहिए थे मसालों के वो हमें मिल गए। बस इसको हम साइड में रख देंगे और हम बनाना शुरू करेंगे राजमा। राजमा बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे आज बैल कोलू की कच्ची घानी। इससे सब्जी में जो ऑयल है इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी सब्जी बनकर के तैयार होती है। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। और ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अमूल का बटर। इससे राजमा और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होगा। तो चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अमूल का बटर। यहाँ पे ऐड कर दिया हमने अमूल का बटर। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन जो हमने चॉप करके रखा हुआ है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अच्छी तरह से इसको कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे।
ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। इसी तरह हम इसको चलाते हुए आगे भी कंटिन्यू भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है और हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी जो हमने बनाकर रखी हुई है। टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे MDH की देगी मिर्च आधा चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं डालना हमें इसको। और हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च स्लाइस करके, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। और जब तक ये मसाला अच्छी तरह से तेल नहीं छोड़ ले जब तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। चलिए तो हम मसाले को अब पकने देते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक गया है, मसाले ने अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है और देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है हमारा मसाला रेडी होने के बाद। और अब हम इसमें ऐड करेंगे राजमा। हमने इसमें मसाले में नमक नहीं डाला था क्योंकि हमने राजमे में पहले से ही नमक डाला हुआ है, तो आप टेस्ट करके नमक ऐड कर सकते हैं। और अब इसको ढककर अच्छी तरह से पकने देंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी, कसूरी मेथी, ये देखिए इसको क्रश करके अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा बटर डालेंगे इसमें और अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको ढककर पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए राजमे में हमारे अच्छी तरह से उबाल पड़ गया और ये पक भी गया। और उसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, इससे राजमे का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस हम एक मिनट तक और पकाएंगे इसको। राजमा हमारा रेडी है। एक मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और गैस की फ्लेम कर देंगे हम बंद और अब करेंगे प्लेटिंग। प्लेटिंग हमारी रेडी है। फ्रेंड्स मुझे पता है आप सभी लोगों को राजमा बनाना आता होगा, बट एक बार आप इस तरह से भी बनाएं और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।